सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। सुख व्यक्ति के अहंकार और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। बदला लेकर आप सिर्फ एक बार खुश होती हैं, लेकिन माफ करके आप पूरा जीवन खुश रहते हैं। आज का पंचांग 24 सितंबर 2023 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:23 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 1:41 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:40 से 6:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:46 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 7:18 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 24 सितंबर 2023 दिन रविवार, आज हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। बस आपकी समझ और शिष्टता से प्रभावित सब आपकी समझ और शिष्टता से प्रभावित होंगे। खूब प्रशंसा मिलेगी। इस बेहतरीन समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जुलने में करें। यह आपके सामने नए अवसर भी खोलेगा। आज अब जिस काम को पूरा करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपकी सकारात्मक संतुलन सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या व्यतीत होगी। इसे आपका उत्साह और मनोबल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात सुखद अनुभूति देगी। पैसों से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए खुद को तनाव से दूर रखें। जीवन में नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी होगी। निराशा की वजह से मेहनत ठीक से नहीं कर पाएंगे। निराशा से बचें। आपको खुद के लिए नए अवसर ढूंढने की कोशिश करनी होगी। पुरानी बातों का वर्तमान रिलेशनशिप पर असर ना हो इस बात का ध्यान रखें। शारीरिक कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें। सावधानियां, बढ़ते खर्चों की वजह से कुछ चिंता की स्थिति बन सकती है, लेकिन जल्द ही समाधान भी मिलेगा। इसीलिए भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। किसी के साथ भी वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो उन्हें दूर करने में आपका प्रयास सफल रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में कुछ सुख शांति रहेगी। प्रेम संबंधों के प्रति संवेदनशीलता रखना जरूरी है। आज आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। अपने साथी के साथ रोमांस और छोटी छोटी खुशियां देने वाला वक्त बिताएं। आज के दिन गंभीर मुद्दों को उठाकर आप एक तरफ रख दें। वास्तव में आपका संबंध काफी गहरा है और आपको इस समय का प्रयोग कुछ हल्के फुल्के और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए करना चाहिए। ऐसा करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने का आनंद लें। बात करते हैं करियर की। आज आपको एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन आपको इस नौकरी का लाभ लेने के लिए एक अलग शहर या यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में बदलाव करना पड़ सकता है। ये नौकरी की पेशकश बहुत ही आकर्षक लग सकती है, पर यह आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगा। इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले आपको विभिन्न कोड़ों पर विचार करने की जरूरत है। कारोबारी व्यवस्था बेहतर होगी जिससे आपकी कार्यप्रणाली में भी गति आएगी, लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले सभी पहलुओं पर उचित सोच समझकर विचार करें। महिलाएं अपने कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगी। ऑफिस में किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते तथा कोई भी समस्या महसूस होने पर तुरंत इलाज लें। जोखिम पूर्ण कार्यों से भी दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ रही है कि आपको अपनी डाइट में काफी सारे बदलाव करने की जरूरत है।
अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा, जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे, बल्कि आपकी जीवन शैली के ही कारण था। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।